दोस्तों, आपने स्टार प्लस का पॉपुलर शो दिया और बाती हम तो जरूर देखा होगा, जो साल 2011 में प्रसारित हुआ था और करीब 5 सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया और काफी लोकप्रियता भी हासिल की। लेकिन इस शो को बंद हुए 6 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और शो के हर किरदार आज काफी बदल गए हैं। लेकिन आज हम इस शो में संध्या राठी और मीनाक्षी राठी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पहले इस शो के सभी कलाकारों के लिए एक लाइक जरूर करें। नंबर 1, कनिका महेश्वरी। दिया और बाती हम शो में संध्या की देवरानी मीनाक्षी का किरदार अभिनेत्री कनिका महेश्वरी ने निभाया था, जिन्होंने चुलबुली अदाओं से दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। बीते 6 सालों में कनिका महेश्वरी आज काफी बदल गई है, जो दिखने में काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हो चुकी हैं। इन्होंने अपने करियर में बहुत से सीरियलों में काम किया, जिस वजह से इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। बात करें कनिका महेश्वरी की असल जिंदगी की, तो इन्होंने साल 2012 में अंकुर गई से शादी की है। अंकुर गई पेशे से एक बिजनेसमैन है और आज इन दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम रियांश गई है। नंबर 2, दीपिका सिंह। दिया और बाती हम शो में आईपीएस संध्या राठी का किरदार दीपिका सिंह ने निभाया था, जिन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। इससे पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद इसी शो के डायरेक्टर रोहित राज गोयल से इन्होंने शादी कर ली और निजी जिंदगी में सेटल हो गई। आज इनका एक बेटा भी है और उसका नाम सोहम गोयल है। वैसे दीपिका सिंह इन 6 सालों में काफी बदल चुकी हैं और पहले से कई ज्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस दिखाई देती हैं, जैसा कि आप इनको देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, दिया और बाती हम शो में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।